वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था, हमारा स्टीलर सिस्टम इन डायडोफाइट्स। ओके, यानी प्लांट किंगडम्स को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है, दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। ठीक है, सो क्रिप्टो गेम्स को भी सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, डायडोफाइटा। तो हम लोग क्रिप्टो गेम्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब डिवीजन, वो क्या है, फेनरो गेम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम फेनरो गेम्स। फेनरो गेम्स को स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइटा जो है वो किससे मिलके बना है, स्पर्मा प्लस फाइटोन। स्पर्मा का मीनिंग क्या होता है, सीड। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड बनते हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर इंक्लूड किया गया है और फेनरो गेम्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये दोनों एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोफाइटा जो है उसको भी दो सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारे पास में जिम्नोस्पर्म और सेकंड होता है हमारे पास में एंजियोस्पर्म। हम नाम सुनते आए हैं, छोटी क्लासेस हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि प्लांट किंगडम जो है उनको फाइव सब डिविजन के अंदर डिवाइड किया गया है। तीन तो हमारे पास क्रिप्टो गेम्स होते हैं और दो हमारे पास में फेनरो गेम्स होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है हमारे पास में जिम्नोस और सेकंड होता है स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट जिनके सीड जो है वो नेकेड होते हैं, या ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, कवर्ड नहीं होते किसी भी कवरिंग के अंदर या किसी भी ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड नहीं रहते, प्रोटेक्ट नहीं रहते, नेकेड होते हैं। ऐसे प्लांट्स को किन के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिम्नोस्पर्म के अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में सब डिवीजन आता है दूसरा एंजियोस्पर्म। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, एंजियोन प्लस स्पर्मा से मिलके बना है। एंजियोन जो है इसका मीनिंग होता है कंटेनर या वेसल, जिनके सीड्स जो है वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, नेकेड नहीं होते। ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, एंजियोस्पर्म के अंदर इंक्लूड किया गया है। हिडन सीड, ऐसे सीड जो हिडन है किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्ट है, वो प्लांट्स किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, एंजियोस्पर्म में। और तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक आता है जिम्नोस्पर्म का। इतने भी जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं वो किस तरह के होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं और शब्स हैं विद ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन। जिम्नोस्पर्म के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज हैं, शब्स हैं, लेकिन साथ में किस तरह का अडेप्टेशन लिए हुए हैं, ज़ेरोफिटिक। ज़ेरोफिटिक यानी वो डेजर्ट एरिया के अंदर मिलने वाले प्लांट्स के जो अडेप्टेशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ज़ेरोफिटिक अडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनकी प्लांट बॉडी जो है वो किस तरह की होती है। तो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक टाइप की होती है और थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड रहती है, या फिर कह सकते हैं थ्री स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंशिएटेड रहती है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है, रूट होती है, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं रूट की, कि जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह की रूट मिलती है। ओके, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट्स किस तरह की होती है, तो वेल डेवलप्ड इनके अंदर टैप रूट मिलती है। सो इनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट का मतलब क्या होता है कि टैप रूट जो है वो लार्ज होती है, सेंट्रल होती है, प्लस प्राइमरी या कह सकते हैं डोमिनेंट रूट होती है। ओके, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जैसे सपोज करो ये एक रूट है, ये प्राइमरी रूट है, इससे इस तरह की ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, तो मेन जो प्राइमरी रूट है लार्ज होती है, डोमिनेंट जो रूट होती है वो क्या कहलाती है, टैप रूट कहलाती है। ठीक है, जिससे अदर ब्रांचेस, लैटरली अदर ब्रांचेस जो है वो निकलती है। ठीक है, टैप रूट्स होती है वो क्या होगी कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रो करती है। नेक्स्ट आता है कि जिम्नोस्पर्म के कुछ ऐसे टैक्सा हैं जिनके अंदर जो रूट्स होती है उनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में साइकस है, साइकस के अंदर जो रूट्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। ठीक है, यानी ये किससे एसोसिएटेड रहती है, एल्गी से, यानी साइकस की रूट्स जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है एल्गी के साथ में। ठीक है, जब एल्गी के, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एनाबीना के साथ में या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में जब ये एसोसिएट होती है तो एक कोरल लाइक अपीयरेंस बनाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो रूट्स होती है वो क्या कहलाती है, कोरेलॉइड रूट्स कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आता है पाइनस के अंदर जो है वो रूट्स किस तरह की होती है, तो माइकोराइजल रूट्स होती है। माइकोराइजल का मतलब क्या होता है कि ये किससे साथ एसोसिएटेड होती है, फंजाई के साथ में। पाइनस की जो रूट्स होती है वो जो फंगल हाइफी होता है उससे कवर्ड रहती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है
जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती है वो डाई आर्क होती है प्लस पॉली आर्क भी हो सकती है। डाई आर्क और पॉली आर्क का मीनिंग क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम मिलता है। ओके, वास्कुलर सिस्टम जो है वेल डेवलप और किसके अंदर मिलता है, हमारे पास टाइडोफाइट्स के अंदर मिलता है। ठीक है, तो टाइडोफाइट से जो प्लांट्स इवोल्यूट हुए वो कौन से हुए, जिम्नोस्पर्म हुए। ओके, सो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम मिलता है। वास्कुलर सिस्टम के अंदर वास्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। ओके, रूट्स और स्टेम के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं, वास्कुलर टिश्यूज मिलते हैं। जो डाई आर्क रूट्स होती हैं उनके अंदर दो स्ट्रैंड मिलते हैं जाइलम के, इसीलिए ऐसी रूट जिनके अंदर दो स्ट्रैंड मिलते हैं जाइलम के वो क्या कहलाते हैं, डाई आर्क रूट्स कहलाती है। और पॉली आर्क जो रूट्स होती है जिनके अंदर मोर देन टू जाइलम स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, ऐसी रूट्स क्या कहलाती है, पॉली आर्क रूट्स कहलाती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि जिम्नोस्पर्म के स्टेम किस तरह का होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है प्लस वुडी होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये अनब्रांच्ड होता है और उसका एग्जांपल है हमारे पास में साइकस। ओके, नेक्स्ट आता है लीफ स्कार प्रेजेंट ऑन स्टेम। सो प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। लीफ स्कार नाम से समझ में आ रहा था कि लीफ जो है वो अपना मार्क छोड़ रही है। ओके, लीफ जो है वो ग्रो कहाँ से करती है, स्टेम से ग्रो करती है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीफ स्कार, इट्स ए मार्क लेफ्ट ऑन ए स्टेम आफ्टर ए लीफ फॉल्स। ओके, जब लीफ फॉल होती है तो उसके बाद में जो स्कार छोड़ रही है स्टेम के ऊपर वो क्या कहलाती है, लीफ स्कार कहलाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का। ओके, नेक्स्ट आता है जो स्टेम होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है एनुअल रिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। एनुअल रिंग्स आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आप लोगों ने कभी देखा हो या नोटिस किया होगा कि जब वुड कटते हैं तो उनके अंदर एक सर्कुलर कुछ आपको रिंग्स दिखाई देती है। ठीक है, वो जो रिंग्स होती है वो क्या कहलाती है, एनुअल रिंग्स कहलाती है। और वो रिंग जो है वो हर साल रिंग बनती है, तो हर साल रिंग बन रही है यानी कहने का मतलब वो उन एनुअल रिंग्स जब तक वो प्लांट जिंदा रहेगा तब तक वो एनुअल रिंग्स बनती है, हर साल बनती है, इसीलिए क्या कहता है उन्हें एनुअल रिंग कहा जाता है, क्योंकि उस रिंग का फॉर्मेशन हर साल होता है। किसी भी ट्री के किसी भी प्लांट की एज का कैसे पता चलता है, उन एनुअल रिंग्स से पता चलता है। एनुअल रिंग्स को गिनो, हर साल एनुअल रिंग बनती है, तो उन एनुअल रिंग्स को गिनने से हमें पता चलता है कि ये जो प्लांट है इसकी एज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकी वुड। मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वुडी भी होता है। तो इनके अंदर जो वुडी स्टेम होता है वो मेनोजाइलिक भी होता है और पिक्नोजाइलिक भी होता है। ओके, तो मेनोजाइलिक जो है वो किसके अंदर मिलता है, साइकस के अंदर मिलता है, और पिक्नोजाइलिक जो है वो किसके अंदर मिलता है, पाइनस के अंदर मिलता है। जब मैंने आपको टेरिडोफाइट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जो स्टेम और रूट्स का जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, उनका कॉर्टेक्स होता है प्लस स्टील होती है, और स्टील किससे कंपोज होती है, वास्कुलर टिश्यू से कंपोज होती है। ओके, सो मेनोजाइलिक जो वुड है उनके अंदर क्या होता है, ये नॉन कॉम्पैक्ट होती है। नॉन कॉम्पैक्ट है यानी किस तरह की होगी, लूज होगी, सॉफ्ट होगी। ओके, इनके अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये जो वुड होती है ये सॉफ्ट होती है। ओके, लार्ज पिथ विथ कॉर्टेक्स, इनके अंदर जो कॉर्टेक्स और पिथ जो है उसका साइज भी बड़ा होता है। और जब पिथ और कॉर्टेक्स का साइज बड़ा होता है तो क्या होगा, इनके अंदर जो वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम जो है उनके अंदर कम होता है। ठीक है, सो लेस अमाउंट ऑफ जाइलम प्रेजेंट इन मेनोजाइलिक वुड, इसीलिए ऐसी जो वुड होती है वो क्या होती है, ड्यूरेबल नहीं होती, या कह सकते हैं कमर्शियली कोई यूज नहीं है इस तरह की वुड का। जस्ट अपोजिट आता है पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक के अंदर क्या होता है कि एक कॉम्पैक्ट होती है, स्ट्रांग होती है। ओके, जब कॉम्पैक्ट होगी, स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि इनके अंदर लार्ज अमाउंट होता है जाइलम का। ओके, सो जाइलम ट्रैकिस जो होती है उनके अंदर ज़्यादा मिलती है। दूसरा नेक्स्ट आता है इनके अंदर जो पिथ और कॉर्टेक्स का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ये ड्यूरेबिलिटी जो है उनकी इंक्रीज हो जाती है, प्लस टिम्बर के फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो समझ आ गया कि मेनोजाइलिक क्या होता है और पिक्नोजाइलिक क्या होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास में थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ जो है लीव्स। ओके, अब बात करते हैं कि इनकी लीव्स जो है वो किस तरह की होती है, तो डाइमॉर्फिक होती है। अलग अलग मॉर्फोलॉजी की इनके अंदर लीफ मिलती है, इसलिए क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक। सो फर्स्ट होती है हमारे पास में फॉलेज लीव। फॉलेज लीव जो है वो किस तरह की होती है, ग्रीन होती है, सिंपल होती है, प्लस निडल शेप्ड होती है,
पिनेटली कंपाउंड होती है. ओके, नेक्स्ट आता है स्केली. जो लीव्स होती हैं वो किस तरह की होती है, तो माइन्यूट होती है और डेसिडुअस होती है. जीरोफिटिक प्लांट जो है उनके अंदर किस तरह की लीव्स मिलती है, स्केली लीव्स मिलती है. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलने वाले जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज़ हैं वो किस तरह के होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ हैं विथ जीरोफिटिक अडेप्टेशन. तो जीरोफिटिक अडेप्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है कि इनकी जो लीव्स होती है वो स्केली होती है. ठीक है, स्केली लीव्स होने का क्या फ़ायदा होता है कि इनका जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है. ओके, नेक्स्ट आता है इनके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है. तो थिक क्यूटिकल जो है प्रेजेंट होती है उन लीव्स के ऊपर. ठीक है, तो ये भी एक जीरोफिटिक अडेप्टेशन है. थिक होगा तो क्या होगा, इनके अंदर जो वाटर लॉस होगा वो कम होगा. ओके, यदि वाटर जो है वो इवेपोरेट जो होगा वो कम होगा. इनके अंदर सनकन स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. जीरोफिटिक अडेप्टेशन का एक और आपको एग्जांपल मिल गया कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं. ओके, जो इनकी एपिडर्मिस होती है उनके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो लीव होती है उनके अंदर लैटरल वेंस जो है वो एब्सेंट होती है. ओके, तो ये तो बात हुई जनरल फीचर हमारे रूट्स के, स्टेम के एंड लीव्स के. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर वास्कुलर टिश्यूज जो है वो किस तरह के मिलते हैं, प्लस उनके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. ओके, तो वास्कुलर टिश्यू जो है वो कौन से होते हैं, जैलम होता है और फ्लोएम होता है. जैलम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैलम जो है वो जनरली कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है, तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है. ठीक है, फर्स्ट होता है हमारे पास में ट्रैकेट्स होता है, जैलम पैनकाइमा होता है, वेसल्स होता है. तो इनके जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जैलम मिलता है उनके अंदर ट्रैकेट्स होती है और जैलम पैनकाइमा होता है, लेकिन वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट फ्लोएम भी तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैनकाइमा और कंपेनियन सेल से. लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है प्लस फ्लोएम पैनकाइमा प्रेजेंट होता है और कंपेनियन सेल जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है. ठीक है, ये याद रखिएगा कि जैलम और फ्लोएम जो है उनके अंदर, जैलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है और जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम होता है उनके अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है. ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे वास्कुलर टिश्यू की. अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिम्नोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है. ओके,